जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सियालकोट एसिड पर यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यानी कि जो आपका रिमोट कंट्रोल है आपके कंडीशनर का, आप उसको कैसे सिंपली रिपेयर कर सकते हैं बगैर ओपन किए, उसको बगैर खोले आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक रिमोट है और जनरल एसी का, इसके आप देख सकते हैं यानी कि एक साइड पर तो स्प्रिंग मौजूद है और दूसरी साइड पर इसका स्प्रिंग जो है वो टूट चुका है और जंग भी लग चुका है। हम इसे बगैर खोले, बगैर यानी कि इसमें कोई पुर्जा नया डाले, हम इसको रिपेयर करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सियालकोट एसिड रिपेयरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजम प्रेस कर लें। जी दोस्तों, इसमें मैं ये देख बैटरी डालता हूँ। इसमें एक तरफ तो ये इसके स्क्रू हैं, एक इस तरफ स्क्रू है। मैं बैटरी इसमें डाल के चेक करवाता हूँ आपको। एक तरफ से इसका स्प्रिंग मौजूद है नेगेटिव साइड पर, लेकिन दूसरी साइड पे इसका कोई स्प्रिंग नहीं है। ये देखिए, ये रिमोट ऑन नहीं हुआ। ये देखिए कैसे इसका यानी कि बैटरी कैसे लूज है, यानी कि कैसे अंदर फ्री घूम रही है। तो इसी चीज़ को हमने आज रिपेयर करना है और रिमोट को ओपन भी नहीं करना, ऐसे ही हम इसको रिपेयर करेंगे। उसके लिए सिंपली ये मैं आपको दिखाऊँगा आपने करना क्या है। सिंपली यही कि ये जो रिमोट है इसके, ये देखिए ये स्क्रू है, यहाँ से ओपन भी हो सकता है, लेकिन हमने यानी कि हमारा टास्क है हमने इसको ओपन किए बगैर ही रिपेयर करना है ताकि हर कोई इसको रिपेयर कर सके, तो आपको किसी के पास ले के जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए मुझे चाहिए होगा, ये देखिए मेरे पास है ये खाली यानी कि सिगरेट का पैक है एक। इसमें जो सिल्वर यानी कि कागज़ होता है हमें सिर्फ वो चाहिए, बाकी डिबिया हम जो है फेंक देंगे। ये सिल्वर पेपर जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर डिब्बी को हम फेंक देंगे। इसमें से हमने थोड़ा सा यानी कि उतार कर फोल्ड कर लेना है। मैं इसको यानी कि थोड़ा सा उतारूँगा इसके साथ से, इसे आप अच्छी तरह से छोटा सा करके यानी कि फोल्ड कर ले। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने फोल्ड करना है ईजीली, आप इसको ईजीली ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। सिंपली आप दोस्तों, इसमें कोई यानी कि लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपली इसे यानी कि फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करके आपने इसको रखना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें आप पहले एक बैटरी डाल लें, जो बैटरी यानी कि जो स्प्रिंग सही है वो बैटरी आप पहले डाल लें, दूसरी यानी कि नेगेटिव साइड पर आप इसको जो है रख दें, जहाँ पर सेल की नेगेटिव साइड आएगी उसको आप वहीं पर रख दें, फिर देखें आपका रिमोट जो है ऑन यानी कि काम करना शुरू कर देगा। सॉरी, ये बैटरी ख़राब है इसकी, मैं बैटरी चेंज करता हूँ। ये जो दोस्तों मैंने पेपर रख दिया, मैं अभी इसकी बैटरी चेंज की है, नई बैटरी डाली है इसकी। ये देखें दोस्तों, ये हमारा रिमोट जो है ऑन हो गया। सिंपली हमने रिमोट को ओपन किए बगैर यानी कि एक सिल्वर पेपर की मदद से इसको जो है ठीक कर लिया अपने रिमोट को। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यानी कि बैटरी निकाल के भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि सेम वही है, क्योंकि बैटरी और मेरी पुराने वाली बैटरी जो है वो ख़राब थी। अभी मैंने ये दूसरी बैटरी डाली है, देख सकते हैं आप, सिर्फ एक सिल्वर पेपर की मदद से मैंने इसको जो है ठीक कर लिया। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे अपना रिमोट ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं आपको। सिंपली जो है आपको सिर्फ सिल्वर पेपर की मदद से आप अपना रिमोट जो है रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसको जंग लग गया हो, उसको यानी कि स्प्रिंग टूट गया हो, स्प्रिंग निकल गया हो, तो आप इजीली जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पर अब मैंने लगा दिया, आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये जो है हमारा चल पड़ेगा रिमोट। मैं अभी इसकी साइड जो है चेंज करता हूँ, फिर से मिसिंग कर रहा था, इसकी साइड चेंज करके दोबारा से डालें। ये देखिएगा दोस्तों, अभी मेरा रिमोट जो है ऑन हो चुका है। ये देखिएगा आप डिस्प्ले पर इसके यानी कि आपको वादा नज़र आ रहा है, टेम्परेचर ऑन ऑफ हो रहा है, सब कुछ यानी कि पूरा रिमोट जो है इनके बेहतरीन काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए, नॉलेज वाली वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।